गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ स्क्रम। हाँ जी बिल्कुल, स्क्रम हम कैसे करें और हमें कैसे करना चाहिए ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। बिल्कुल बेशक सभी को स्क्रब करना आता है, लेकिन किस तरीके से स्क्रब करना चाहिए वो हमें नहीं पता होता है, तो हमारी स्किन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब हम उल्टे सीधे तरीके से स्क्रब कर लेते हैं। तो गाइस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। गाइस कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं एवर यूथ का पाउच वाला स्क्रब ले रही हूँ। ये ईजिली आपको किसी भी किराने के शॉप में मिल जाएगा। गाइस आप अगर बहुत बड़ा वाला पैक नहीं लेना चाहते हैं, आप छोटा लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 15 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। गाइस इसको कुछ हम देख सकते हैं, इसको कुछ हम लेंगे हाथ में ऐसे। इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। गाइस फिर ये सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है। ऐसे ही सूखा सूखा नहीं मसाज करनी है इसकी, हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है, हमें हल्का सा गीला करते रहना है। अगर ड्राई ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन छील सकती है। और गाइस आपको फिंगर को बस स्लो मोशन में, बस इसी तरह से सर्कुलर मोशन में आपको राउंड राउंड आपको इस तरह से मसाज करनी है। बस सबसे ज़्यादा हमारे नोज़ के पास होता है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर सर्कुलर मोशन में आप इस तरह से कर सकते हैं। गाइस आप हमेशा याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड में आपको नहीं करने, बस आपको सर्कुलर मोशन में करना है। यू नो गाइस स्क्रब हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा एक्सफोलिएट करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। बस आपको फिंगर की हेल्प से बस इस तरह से कुछ करना है। गाइस यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। और आपको गाइस ये इसको इस तरह से नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है, इधर साइड से ऐसे ऐसे राउंड राउंड करना है। अगर आप गलत तरीके से स्क्रब करेंगे तो गाइस आपकी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आ जाते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक ही स्क्रब करना है गाइस, उससे ज़्यादा आपको स्क्रब नहीं करना है। सो गाइस यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। सो गाइस यहाँ पर मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी टोनर। कैसे आपको स्क्रब करने के बाद आपको इसी तरह से ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, क्योंकि ना आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना है, क्योंकि ओपन पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, उनको क्लोज करने के लिए आपको टोनिंग और मॉइस्चराइजर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँगी गाइस।
आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होगी, आपको पता चला होगा कि हमें स्क्रब कैसे करना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।